अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। के चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर पुराने हैं तो चैनल को बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल कर सकें। आज जिसकी वीडियो की इंतजार थी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो उसके वाले सारी तफसील के साथ आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। कॉमसेट यूनिवर्सिटी है जो भाई पाकिस्तान के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। मेन बात है आपको शुरू में बता दूँ, अगर वीडियो आप कहीं लीव करके भाग जाएंगे तो उसका मेन मकसद आपको ये है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो इस बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ये मेन कॉमसेट ने आपके लिए ये बेनिफिट दी है। ठीक है, मेडिकल भी की भी अगर इंडस्ट्री ना आईटी और एससी और सीएस के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो उनके कैंपसेस हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट के अंदर आपको जो ज़रूरी चीज़ें वो तमाम इसके अंदर बता दी जाएँ। ठीक है, अभी कोई मिस आउट ना हो, ज़्यादा टाइम की वजह से बोर ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके अंदर एडमिशन है वो आपके ओपन हो चुके हैं, और जो उसका आपका ये लोअर लास्ट डेट है सबमिशन फॉर्म के 28 जुलाई इस्लामाबाद लोअर और वाक एंड के अंदर। ठीक है, जो इनके कैंपसेज हैं अटक के अंदर है लाहौर, बिहारी, इस्लामाबाद, एबटाबाद, वाक एंड साहिबार के अंदर मौजूद है। जो इस्लामाबाद कैंपस उसके अंदर अंडर ग्रेजुएट देखते हैं प्रोग्राम की, इनके एडमिशन ओपन है। ठीक है, इंग्लिश है, फिजिक्स, फाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी, बायो साइंस, आर्किटेक्चर, डाटा साइंस, मैथमेटिक्स, बायो इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, फिनांस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल नॉन इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों डिफरेंट डिग्री है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और जिसके बाद जो है इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद एबटाबाद कैंपस की तरफ आते हैं, बीएस प्रोग्राम, इसके अंदर भी इंग्लिश, जियोलॉजी, फार्मेसी, और एबटाबाद कैंपस के अंदर डी फार्मेसी भी करा रहे हैं। ठीक है, ये भी है लोअर कैंपस के अंदर और एबटाबाद के अंदर डी फार्मेसी भी करा रहे हैं। बार बार आपको मैं तफसील के साथ ये बता रहा हूँ कि दोनों कैंपस के अंदर आपको डी फार्मेसी भी करा रहे हैं, एबटाबाद और लोअर कैंपस के अंदर, और इस्लामाबाद कैंपस के अंदर डी फार्मेसी आपकी मौजूद नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे हैं, अगर आपको पीएचडी के अंदर इंटर है आप देख रहे हैं तो पीएचडी के प्रोग्राम काइंडली रीड कर सकते हैं, एमएस के भी कर सकते हैं। मेन जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए मैं ये बना रहा था, उनको बता दिया। साइबर कैंपस की तरफ बातें, जिसके अंदर इंफॉर्मेटिक है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग, फिनांस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, बिजनेस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन भी है। ठीक है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, लेकिन जो मेन साइबर के अंदर नॉन इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, एमएस के अंदर भी 5-6 प्रोग्राम है, देख ही सकते हैं। बिहारी के अंदर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंट, कंप्यूटर साइंस तकरीबन तमाम सिटीज के अंदर मौजूद है। वाक एंड के अंदर सिविल है, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग, फिनांस है, मैकेनिकल है, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और देखें मेन जो आपको यहाँ पर डिटेगा, स्टूडेंट्स विद प्री मेडिकल इन इंटरमीडिएट आर एलिजिबल फॉर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। 5 डिग्री के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उसके वाले से एबटाबाद, साहिबाल, अटक और बिहारी कैंपस, उनका लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 अगस्त है। बाकी जो मेन कैंपस है इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ के अंदर वो 28 जुलाई है। और आपने इसका अप्लाई किस तरह करना है वो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर ना इसका मैं आपको बता दूँ। तो जो आपने इसका अप्लाई करना है, आपने जो इनका जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके ओपन करना है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, वहाँ पे सबमिशन होगा, वगैरह चार्ज आएगा, हर चीज़ आएगा। नो नीड फिजिकल फॉर्म सबमिशन, आपको फिजिकल किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ यहाँ पर आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद अटेक कैंपस की तरफ आते हैं, वहाँ पर मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, तमाम के अंदर आपके एडमिशन मैक्सिमम जो ओपन है। उसके बाद जो उसके सैलन फीजे की तरफ आते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जरूरी हैं। 7 नेशनल वाइड क्या क्लीन एंड ग्रीन कैंपसेज है, मोर दैन 36,000 स्टूडेंट रोल हैं, ग्रेजुएट के अंदर 7,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हैं, इस बार जो 703 जो पीएचडी कर चुके हैं वहाँ से। ठीक है, जब मेन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पाकिस्तान का गवर्नमेंट एरिया के अंदर भी पोस्ट। ठीक है, तो जो अटेक कैंपस के अंदर भी एडमिशन आपको बता देंगे, तकरीबन तमाम तफसील जो जरूरी थे मैंने आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, लाजमी पूछें। कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला आ रहा है, अप्लाई करने के अंदर इशू आ रहा, तो फेसबुक भी जाके व्हाट्सएप पर क्लिक करें, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप पेज ओपन करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आप वहाँ से डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं। जजाकला, शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।